हमें कुछ पेमेंट भी दी जाती है, पेमेंट कितनी दी जाती है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी।갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आए दिन आते रहते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, या मेरे पर्सनल फेसबुक व्हाट्सअप कहीं भी आते रहते हैं कि यूट्यूब में कितने पैसे हैं, 100 व्यूज़ के कितने पैसे पेड करते हैं। मैं 100 व्यूज़ की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरे व्यूज़ कुछ 100-200 में ही जाते हैं। मेरे व्यूज़ कोई 1K, 2K, 5K लाख्स में नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं बात करती हूँ सिर्फ 100 व्यूज़ की। और हमें मैसेज भी ऐसे ही आते हैं कि 100 व्यूज़ पे यूट्यूब कितना डॉलर पे करती है, क्योंकि पता है कि यूट्यूब जो है डॉलर में पे करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूट्यूब में कितने पैसे हैं, 100 व्यूज़ के यूट्यूब कितने पेमेंट करते हैं, कितने डॉलर देते हैं लेकर के, ये सब बातें मैं आज करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने YouTube पे 1 साल से मेरा चैनल बना हुआ है। एट फर्स्ट मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो वीडियोज आते हैं वो कभी आ जाते हैं, कभी मैं बहुत सारी वीडियोज डाल देती हूँ। जब मुझे मूड करता है और अच्छा लगता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज अपलोड ब्लॉग्स हो, वीडियोज हो, समथिंग कुछ भी हो मैं डाल देती हूँ। जब मुझे वीडियो बनाने का नहीं मूड रहता है तो मैं वीडियो नहीं अपलोड। आपको पता है मेरा चैनल जो है मोनिटाइज है, यूट्यूब ने मेरे चैनल मोनिटाइज कर लिया है, एज अ पार्टनर प्रोग्राम मेरे चैनल को वेरीफाई कर दिया है। तो मेरा जो चैनल है वो एक यूट्यूब में रजिस्टर्ड चैनल है। ये यूट्यूब मेरे चैनल को चैनल का देखरेख करता है और हमें कुछ पेमेंट भी दी जाती है, पेमेंट कितनी दी जाती है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अभी बने रहो। पहले मैं बात कर लेती हूँ YouTube से रिलेटेड कुछ अपनी थॉट्स, अपना जो जर्नी है वो पहले मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस कैसे डालती हूँ, अभी तक मेरे चैनल पे तकरीबन 50 वीडियोस गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं गए होंगे। उसमें छोटे मोटे ब्लॉग से लेकर के मतलब सॉन्ग के क्लिप से लेकर के मतलब सब कुछ गए हैं। उसको काउंट करके यूट्यूब पे मेरे 50 वीडियोस अपलोड हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 1 साल से यूट्यूब पे हूं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते कि दी आप अपना लाइफ स्टाइल शो करो, आप डेली ब्लॉगिंग करो, आप आउटडोर शूट करो, इंडोर शूट करो, कुकिंग की वीडियोस बनाओ, एंड जो भी आप करते हो डेली ब्लॉग्स वो सारे शेयर करो। बट मेरे पास उतना टॉपिक नहीं होता है। मैंने अभी तक मॉर्निंग टू इवनिंग की एक डेली ब्लॉग पूरी चैनल पे अपलोड किया है, बट मेरे साथ नहीं हो पाता है तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर आगे मुझसे हो पाएगा तो मैं आपकी ये डिमांड भी पूरी करूँगी। तो मैं आपको अब बताती हूँ यूट्यूब के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया मेरे व्यूज़ कितने आते हैं। मेरे व्यूज़ 100 में जाते हैं, 100-200 में मेरे व्यूज़ जाते हैं। मैं 1 साल से यूट्यूब पे हूँ। रिसेंटली मेरा चैनल जो है अप्रैल में मोनिटाइज हुआ था, और फिर अप्रैल के बाद मेरे चैनल पे एडवर्टाइज देने लगे हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ से मेरे चैनल पे एडवर्टाइज आते हैं। एडवर्टाइज से ही आपकी इनकम होती है। आपके इनकम का जो सोर्स होता है यूट्यूब पे, जितने एड आपके यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, जैसे कि आप वीडियो वॉच करते हो तो उसमें 2-3 सेकेंड के एड जाते हैं, उसमें एस्केप करना होता है। एस्केपेबल होता है, नॉन एस्केपेबल होता है। तो मैं जो हूँ नॉन एस्केपेबल एड नहीं लगा रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो। मैंने अभी तक नॉन एस्केपेबल एड नहीं ऐड किया है। और हाँ, नॉन एस्केपेबल एड में अर्निंग ज़्यादा होती है। एस्केपेबल में आपके पास ऑप्शन रहता है व्यूअर्स के पास, अगर उसे एड नहीं देखना है तो वो एड को स्किप कर सकता है। बट अगर नॉन एस्केपेबल एड होता है तो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो, मतलब मेरा एड जो है फुल टाइम वॉच होगा तो मुझे अर्निंग्स मिलेगी। बट मैंने नॉन एस्केपेबल एड नहीं ऐड किया है। उसके भी कुछ रीजन्स है, जैसे कि मेरे व्यूज़ कम जाते हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर केवल एड चले व्यूज़ नहीं जाए। तो यूट्यूब में एक CTR होता है, वो इंक्रीज होने से चैनल जो है चैनल को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई बहुत सारी बातें यूट्यूब में, बहुत सारी गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की, बहुत सारी बातें होती है जो कि मैं एक वीडियो में नहीं अपलोड कर पाऊंगी। अगर आपको बहुत सारे अगर जानकारी चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आपको जो है सो मैं आपके सारे सवाल का जवाब जो है धीरे धीरे करके एक एक वीडियो बना के दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने वीडियोस डाले हैं और मेरी अर्निंग कब से स्टार्ट हुई। तो मेरी अर्निंग जो है मई से स्टार्ट हो गई थी। अप्रैल में मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हुआ था, लास्ट वीक अप्रैल में। और मैंने अभी तक कितने कमाए हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी आज के वीडियो में, बट वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूट्यूब में कितना पैसा है और या फिर पैसा है। मेरे ख्याल से मैंने जितना ऑब्जर्व किया है यूट्यूब को, इट्स वनली पैसन।
मतलब आप अगर YouTube पे काम करते हो तो सिर्फ ये समझ लो ये मेरी पैशन है। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, किसी चीज का वीडियो बनाने में मुझे खुशी होती है, तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगी, YouTube पे अपलोड करूंगी, व्यूअर्स को अच्छा लगता है वो देखें, और मैं जहां तक वीडियो बनाती हूं, जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरे लिए ये पैशन है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये चीज बनाना, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। मैं अपना कभी जो मेरा कोई अच्छे पल होते हैं, जब मैं इंजॉय करती हूँ लाइफ को, जब मुझे कुछ खुशी मिलती है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो ये एक मेमोरी के लिए मैं अपना जो है वो सारे चीज़ को मैं वीडियो के थ्रू अपने यूट्यूब पे डालती हूँ, जो कि व्यूअर्स वॉच करते हैं। हाँ, उससे मेरा वॉच टाइम बढ़ता है, मुझे बहुत सारा मतलब खुशी होता है, बहुत सारे लोग जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरे वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप अगर एफबी पे अपना वीडियोज़ डालते हो और आपके वीडियोज़ पे लाइक कॉमेंट ज़्यादा आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं भी बोलती हूँ प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट कर देना मेरे वीडियोज़ पे। तो इसलिए इसमें पैसे की बात करें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं 4 मंथ से मेरा चैनल मोनेटाइज है, और 4 मंथ में मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ $0.26 अर्न किए हैं, मतलब 4 मंथ की मेरी अर्निंग है। अब सवाल उठता है कि 100 व्यू पे, अब आप खुद काउंट कर सकते हो कि 100 व्यू पे कितने, $0.26 इन 4 मंथ, और आप खुद ही समझ सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि $10, जैसे कि आपका पिन आता है यूट्यूब पिन भेजने के लिए, जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरा चैनल जो रजिस्टर्ड है, तो यूट्यूब मुझे पिन तभी भेजेगी जब मेरे अकाउंट में $10 मैं खुद अर्न करके रख लूंगी। मेरे $10 कब कंप्लीट होंगे पता नहीं, वो 2 साल में होंगे या 4 साल में होंगे, ताकि मेरे पास एक वेरीफाइड पिन आ जाए मेरे पास, क्योंकि वो पिन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर यूट्यूबर आप हो और आपका चैनल अगर मोनेटाइज है, तो आपके पास उसका पिन होना चाहिए, जो पिन नंबर तभी मिलता है जब हम मतलब मेरे अकाउंट में $10 आ जाएगा और मेरे खुद के वीडियोस से व्यूज से और अर्निंग आएगी, तभी होगा। $10 मेरे अकाउंट में अगर आ जाता है तो YouTube मुझे पिन प्रोवाइड कर देगी, और कोई बात नहीं है। इट्स माय पैशन, जो कि मैं शो करती हूँ अपना, वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इंजॉय करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, इससे मेरा टाइम जो है बहुत अच्छे से मतलब निकल जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है, वीडियो शूट करना मुझे अच्छा लगता है। आपको मैं बताऊं, एक वीडियो को एडिट करने में मुझे 4 मिनट की वीडियो को एडिट करने में मुझे 4 से 8 घंटे लग जाते हैं, समटाइम 10-10 घंटे लग जाते हैं, बट मैं उसमें लगी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना, बस मैं एडिट ही करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना अच्छा एडिट कर पाऊँ, कितना अच्छा वीडियोज़ बना पाऊँ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लैपटॉप लेके बैठे रहो, वीडियो एडिट करते रहो, उसे अपलोड करो, पब्लिश करो, बस इसलिए मैं इंजॉय करती हूँ। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पैसन है, यूट्यूब में पैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यूट्यूब में पैसा तब है जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, जिनके 1-2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है, उनको बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होता है, PR प्रोडक्ट्स आते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उन लोग को बहुत अच्छी इनकम होती है। और मैं रिव्यू क्यों करती हूँ, मैं रिव्यू इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आता है कि आप ये चीज़ क्या रिव्यू करो। तो जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो फिर अगर मेरे सब्सक्राइबर उस चीज़ की डिमांड करते हैं, तो मुझे तो करना पड़ेगा भैया, चाहे मैं अपने खुद के पैसे से खरीद के करूं। तो इसलिए मैं जो मेरे सब्सक्राइबर का जो डिमांड होता है जिस चीज़ के लिए, रिव्यू के लिए, तो मैं उस चीज़ को रिव्यू करती हूं और मैं खुद के पैसे से खरीदती हूं, उस चीज़ को यूज़ करती हूं, आफ्टर डैट मैं रिव्यू करती हूं। और तो यही है यूट्यूब, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था YouTube से रिलेटेड, तो मैंने उसका जवाब दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे Instagram पे ऑलरेडी रखे हुए हैं कि और YouTube के कमेंट बॉक्स में भी हैं कि आप YouTube से YouTube का वीडियोस कैसे बनाते हो एंड ऑल दैट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने जो अपना Q&A रखा था उसका भी वीडियो जल्द आने वाला है, क्योंकि उसके लिए भी क्वेश्चन आए थे कि आदि आप अपना Q&A का वीडियोस कब अपलोड कर दी, तो मैं जल्द शूट करके उस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।